हेलो व्यूअर्स स्वागत है आप सभी को प्रेम सोम्पलेन पर दोस्तों आज का हमारा मॉडल है पैंतीस फीट बाय तीस फीट के अंदर ये चार कमरे का घर जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे चार बेडरूम के साथ आएगा और ये प्रॉपर गांव के घर होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे दोस्तों पैंतीस फीट बाय तीस फीट के अंदर हमने बनाया हुआ है और कितना लागत में ये घर बनेगा पूरे डिटेल्स में हम जानेंगे कहाँ पर क्या कुछ ऐड किया हुआ है सारा सब कुछ तो सबसे पहले मैं आपको कॉलम दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कॉलम का जो ये पोजीशन आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपको सिक्सटीन कॉलम देखने को मिलेगा नंबर ऑफ कॉलम इज सिक्सटीन फिर आप देख सकते हैं ये जो तीस फीट भाई पैंतीस फीट के अंदर बनाया हुआ है और फ्रंट साइड को अभी ये देख रहे होंगे हमने ये पोर्ट्स के लिए दो फीट और स्टेप के लिए तीन फीट का स्पेस फ्रंट साइड की ओर एक्स्ट्रा लिया हुआ है आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है तो अभी वॉल वगैरह क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेयर केस यानी कि जीना कुछ इस प्रकार से आएगा फिर अभी वॉल सब कुछ क्रिएट कर लेता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वॉल वगैरह आएगा आपका पार्टीशन वॉल वगैरह कुछ इस प्रकार से आने वाला है बाकी यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे ये हमने जो फ्रंट साइड के और पोर्ट पर हमने एक छोटा सा बैठक बनाया है कुछ इस प्रकार से आप भी बना पाएंगे आप देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आएगा आप देख सकते हैं डुअर फ्रेम वगैरह विंडो फ्रेम गेट वगैरह जो भी आपका है इस प्लान पर आप देख सकते हैं डिजाइन वगैरह अभी ये लिंटेल लेवल में एड कर रहा हूँ आप देख सकते हैं ये लिंटेल आएगा दोस्तों तो आपका कुछ इस प्रकार से और ये ऊपर का वाल आप देख सकते हैं लिंटेल के ऊपर का जो वाल है वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है फिर आप देख सकते हैं बीम आपका कुछ इस प्रकार से आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं बीम का लेआउट वगैरह फिर आपको मैं ऊपर इसका स्लैब वगैरह क्रिएट करके दिखा देता तो हूँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से और ये आप देख सकते हैं जो ममटी रूम जो कहते हैं आप देख सकते हैं स्टेयर केस के लिए फिर उसी को हमने ऊपर आप देख सकते हैं स्लैब कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है तो दोस्तों ये जो मॉडल है हमारा अभी बनके तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं फ्रंट साइड की क्यों हमने यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो स्टील का रेलिंग का यूज किया हुआ है आप यहां पर अच्छे से देख पा रहे होंगे और ये जो स्लैब आएगा स्लैब पर हमने कुछ इस प्रकार से डिजाइन कट किया हुआ है आप यहाँ पर अच्छे से देख रहे होंगे अभी मैं आपको चुम आउट करके भी दिखा रहा हूँ और ये साइड व्यू आप देख सकते हैं ये साइड से कुछ इस प्रकार से दो विंडो आपको देखने को मिलेगा और इधर की ओर आप देख सकते हैं दो वेंटिलेटर हमने ऐड किया हुआ है और इधर की ओर आपको तीन विंडो देखने को मिलेगा और फ्रंट साइड का लुक आपने तो देख ही लिया कुछ इस प्रकार से आएगा डिजाइन आप टॉप व्यू से कुछ इस प्रकार से लुक आएगा तो अंदर की ओर दोस्तों चले चलते हैं अंदर की ओर हमने तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आप कहीं से भी जब आएंगे ये स्टेप्स होकर एंट्री करेंगे तो आपको ये एक ग्यारह फिट बाई आठ फिट का ऐसे में ग्यारह बाई आठ फीट का स्पेस आपको मिल जाएगा यहाँ पर अपना हमने कुछ इस प्रकार से बेंच टाइप पर डिज़ाइन किया हुआ है आप यहाँ पर बैठक भी बना सकते हैं गांव के घर में बाहरी साइड में एक बारह लाभ में बैठक बहुत ही जरूरी होता है इसी कारण हमने कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है फिर यहाँ से आपका आयरन का गेट हमने दिया हुआ है आप चाहे तो यहाँ पर से डोर भी ऐड कर पाएंगे ये गेट से जब एंट्री करके जाते हैं तो आपका ये प्रॉपर एक खुले में रूम रहेगा ये पूरा आपका हॉल रूम आएगा और इसी हॉल रूम से आपको चार कॉर्नर पर चार बेडरूम पर पहुंच पाएंगे जैसे कि यहाँ से एक डुअर रहेगा दूसरा डुअर यहाँ से रहेगा बेडरूम पर जाने के लिए तीसरा डुअर यहाँ से रहेगा और चौथा जो डुअ है यहाँ से रहेगा और ये जो चार बेडरूम आप देख रहे होंगे चारों बेडरूम का साइज जो तो है दोस्तों वो सेम है बारह फिट बाई ग्यारह फीट के अंदर है फिर हम देख सकते हैं बैक साइड की ओर यहाँ पर एक डुअर रहेगा जिससे जाते तो ये हमने एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम बनाया हुआ है जिसका साइज है दोस्तों ग्यारह फिट बाई पाँच फिट के अंदर आप चाहे तो इसको पार्टीशन करके आप इस बेडरूम के साथ एक अटैच भी कर सकते हैं इसी स्पेस पर क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाएगा एक आप करना चाहे तो इसी जो वाशरूम है इसको पार्टीशन करके आपको अटैच कर लेना होगा हमने फिलहाल सिंपल एक ही कॉमन टॉयलेट बाथरूम रखा हुआ है ग्यारह फीट बाई पाँच फीट के अंदर फिर आप देख सकते हैं यहाँ से एक डोर रहेगा जिस डोर से जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर रहेगा आपका किचन किचन का हमने साइज लिया हुआ है बारह फीट बाई आठ फीट के अंदर फिर इधर की ओर आठ फीट के अंदर हम निस्टेयर की जीना को कुछ प्रकार से घुमावदार तरीके से आप देख सकते हैं चढ़ाए हुआ ऊपर के लिए आप इसी जीने से होते हुए जब ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ आप इस जगह पे पहुंचेंगे फिर ये वाला जो डोर है इससे एग्जिट करके ऊपर टॉप यानी कि टेरिस यहाँ पर आ पाएगी तो दोस्तों आज का जो मॉडल है इतना आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो देखने के लिए दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेम्स होमप्ले